यहाँ पे कितना सारा सुइया है, एक है, दो, तीन, चार, पाँच। दोस्तों पांच को सुई पड़ेगा, अभी देख रहे गाइस यहाँ, देखिए गाइस यहाँ पे। और ये सबसे छोटका है, ये घर से आज आया है यहाँ पे कुछ सामान लेके, और सामान में क्या लेके आया है देखिए गाइस यहाँ पे, ये देखिए कितना सारा। तो हेलो एवरीवन, आप सभी को स्वागत है मेरे न्यू ब्लॉग में। ये मेरा हमसे छोटा भाई है और इसका तबीयत खराब था, इसका ऑपरेशन हुआ है देखिए यहाँ पे, और ये जा रहा है सुई लेने के लिए, देख रहे गाइस यहाँ पे। ये बहुत सारा दवाई इसको दिया गया है, देखिए वहाँ पे बोरी है, उसको क्या बोलते हैं, भिंडी है, प्याज वगैरह जो भी है यहाँ पे देखिए। उसके बाद ये खाना देखिए, इसमें चावल हो गया दोस्तों यहाँ पे, और यहाँ पे भुजिया है, और इसमें क्या है, दाल है, जो कि यहाँ पे खाना वाना खा लिया सब है। कचरा को पन्नी में रखते हैं वहाँ पे, देखिए देख सकते हैं गाय वहाँ पे पन्नी को वहाँ पे रखा दोस्तों। मैं आप सभी को अपने जो हम तीन भाई है दोस्तों, आज आप सभी को मिलाते हैं। ये पहला ब्लॉग होगा दोस्तों कि हम तीनों आदमी इसमें शामिल है और एक साथ हैं यहाँ पे, देखिए देख रहे हैं जो सबसे बड़ा हम हो गए, उसके बाद इसका नंबर है, उसके बाद उसका नंबर है, थर्ड नंबर पर वो है, सबसे छोटका है और सबसे लास्ट में भी है देखिए। और यहाँ इसको बहुत सारे दवाई दिया गया है, तो मैं आप सभी को दिखाता हूँ कि ये दवाई। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे ये सारा सुइया हो गया, देखिए यहाँ पे कितना सारा सुइया है, एक है, दो, तीन, चार, पाँच। दोस्तों पाँच को सुई पड़ेगा, अभी देख रहे गाइस यहाँ पे पाँच को सुई, हाँ एक पड़ चुका है, मतलब छः था और पाँच को बचा हुआ है। और देखिए इतना सारा दवाई है, ये जो देख रहे हैं ब्लैक वाला, ये आयरन का दवाई देखिए गाइस यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे ऑपरेशन होने के बाद दोस्तों ज़्यादा ब्लड लॉस हो चुका है बॉडी से, ये आयरन है जो सहूलियत करेगा इसको एनर्जी देने में। और ये सारा सब सुइया है यहाँ पे, ये घाव सूखने का दवाई सब है देखिए यहाँ पे, इतना सारा दवाई है देख सकते हैं गाइस यहाँ। सभी को इनसे थोड़ा बात कराते हैं कि ये क्या चीज़ है, इसको समझाया गया डॉक्टर के द्वारा, इंजेक्शन है, क्या चीज़ में काम आता है ये सर्दी खांसी एंटीबायोटिक दवा सब कुछ में काम आता है, खास करके ऑपरेशन के घाव में या किसी प्रकार के घाव में, और सर्दी खांसी बैक्टीरिया से होने वाले जो बीमारियां ना सभी में काम आता है, देख रहे गाइस यहाँ पे एंटीबायोटिक सुइयां। तो देखिए गाइस यहाँ पे, और ये सबसे छोटका है, ये घर से आज आया है यहाँ पे कुछ सामान लेके, और सामान में क्या लेके आया है देखिए गाइस यहाँ पे, ये देखिए इतना सारा सामान लेके ये रूम पर आया है यहाँ पे, और इसका तो ऑपरेशन था, ये आ गया दो तीन दिन पहले यहाँ पे रूम पे। चलिए यहाँ पे खाना पीना पूरा रेडी हो चुका है, तो खाना खाइए गाइस यहाँ पे, ये दवा हुआ खा रहा है अपना, देख रहे हैं ये दर्द की दवाई जिनते खा रहा है, देख रहे हैं घाव सूखने वाला दवाई है इतना सारा, देख रहे हैं गाइस। तो चलिए दोस्तों अब खाना खाते हैं, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा टाइम ओवर हो चुका है यहाँ पे, खाना निकाल रहा है, और खाना में देखते हैं क्या क्या चीज़ बना हुआ है। दोस्तों यहाँ पे मेरा खाना है, यहाँ पे बेड पेड पे बोरी का भुजिया है और दाल है यहाँ पे, चावल देख रहे गाइस यहाँ पे, और खाना रेडी हो चुका है मेरा, बेड खा रहे हैं यहाँ पे, और खाना मैंने खुद से बनाया हूँ, देखते हैं कैसा खाना है, बहुत ज़्यादा टेस्टी होता हूँ। तो दोस्तों फाइनली यहाँ पे खाना पीना हो चुका है, और चलिए आप लोग को दिखाते हैं कि मेरे घर से क्या क्या चीज़ आया है सामान। तो दोस्तों ये रहा मेरे घर से सामान आया है, तो इसमें देखते हैं खोलते हैं कि क्या क्या चीज़ है, और हमको पता नहीं है, तो चलिए गाइस आप लोग कंटिन्यू इसको देखिए कि इसमें क्या क्या चीज़ है, चलिए लेट्स स्टार्ट गो। चावल ऊंचा रखने का रीज़न ये है कि नीचे में दोस्तों रखते हैं चावल तो चूहा वगैरह काट देता है, और यहाँ ऊपर में तो सेफ है दोस्तों यहाँ पे। और दूसरा रीज़न ये है ऊपर रखने का कि नीचे जो रूम है दोस्तों हम लोग का, ये पूरा भीगा भीगा रहता है यहाँ पे, नीचे का रखते हैं दोस्तों ये चावल खराब हो जाता है, चावल आटा देख रहे हैं दोस्तों यहाँ पे, देखिए यहाँ पे हरा सब्जी यहाँ पे रखते हैं, ये देख रहे हैं गाइस यहाँ पे। तो इसी में दोस्तों मेरा विचार है कि आलू को यहीं पे रख दिया जाए, ताकि हाँ एडजस्ट रहेगा, अच्छा रहेगा यहाँ पे। पहले सबको साइड करते हैं, ये देखिए दोस्तों इसको जानते क्या है, इसको बोलते हैं सोहजन, पता नहीं इंग्लिश में क्या बोलते हैं, हमको पता नहीं, कौन ये लकड़ी का नाम सा होगा इस। तो ये रहा दोस्तों यहाँ देख रहे हैं एडजस्ट हो गया है, उधर चावल, उधर देख रहे हैं गाइस गैसे पे दोस्तों वहाँ पे रख दिए, और बारी है दोस्तों मसाला का रखने का, देख रहे हैं गाइस यहाँ पे। तो चलिए अब इस मसाला को यहाँ पे एडजस्ट करते हैं, वो आप लोगों को यहाँ पे दिखाने का प्रयास करता हूँ गाइस। तो चलिए देख रहे हैं यहाँ पे कि अभी से एडजस्ट करना सीख रहे हैं, क्योंकि शादी के बाद कौन ठीक समय खराब हो जाए। देखिए गाइस यहाँ पे रूम देख सकते हैं यहाँ पे,
कितना साफ सुथरा हो चुका है देख रहे हैं यहाँ पे आलू हो गया, प्याज हो गया, इसमें हरा सब्जी जो भी यहाँ पे है, बोरी है, भिंडी है, जो भी यहाँ पे देखिए ये। और ऊपर दोस्तों यहाँ पे खाना का देख रहे हैं यहाँ पे, और ऊपर किताब वगैरह देख रहे हैं दोस्तों यहाँ पे। इसमें देखिए यहाँ पे गैस दोस्तों, उसके ऊपर चावल है यहाँ पे और ये आटा है, रख दिए दोस्तों यहाँ पे। चलिए पूरा साफ सुथरा हो चुका है देख रहे हैं गाइस यहाँ पे, और ये दोनों सोया हुआ है देख रहे हैं गाइस। दोस्तों आज के ब्लॉग में इतना ही, तो ये ब्लॉग आप लोगों को कैसा लगा? और दोस्तों ब्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर करना नहीं भूलेगा।